सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु बिलोकि हर्षे पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब रघुपति मुख कमल बिलो कही, मंगल जानी नयन जल रो कही। यशस्वी भवा पुत्र, अखंड सौभाग्यवती भवा पुत्री। लक्ष्मण, तुमने एक आदर्श पुत्र के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह किया है। राम और सीता की रक्षा का जो वचन तुमने लिया था, उससे तुमने पूर्णता पालन करके मुझे गौरवित किया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे नेत्र मेरी प्रिय वधू उर्मिला को देखने के लिए अधीर है, परंतु उसने भी 14 वर्ष तपस्या की है। वो न जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और अब वो अपने नेत्र तभी खोलेगी जब तुम समक्ष उसके सामने उपस्थित हो। माता कहती है कि उन्हें मुझ पर गर्व है कि सदैव मैंने भैया और भाभी की सेवा की। कोई ये नहीं समझता कि उन्हें दिए गए वचन और अपने दायित्व का निर्वाह पूर्ण इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें तुम्हारा त्याग था। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ और मिला, अपने नेत्र खोल दो, अपने नेत्र खोलो और मिला, देखो मैं तुम्हारे सम्मुख हूं। लक्ष्मण,
पुत्र, सर्वप्रथम तुम निद्रा देवी की आराधना करो और उनसे ये करबद्ध विनती करो कि वो तुम्हारी निद्रा तुम्हें पुनः लौटा दे, क्योंकि उनके ऐसा करने के पश्चात ही पुत्री उर्मिला अपनी इस निद्रा से जागृत हो पाएंगी। मंगल हो पुत्र। नेत्रा देवी, 14 वर्ष वनवास का समय पूर्ण हुआ। आपके आशीर्वाद से सदैव मैंने भैया और भाभी की सेवा की। अब मैं अयोध्या लौट आया हूं। आपसे निवेदन है कि मेरी निद्रा जो आपने उर्मिला को दी है मुझे वापस लौटा दें। क्षमा कर दें पिताजी, किंतु आपके वचन के निर्वाह के अतिरिक्त मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे अत्यंत खेद और शोक है। मैं आपकी अंतिम इच्छा पूर्ण न कर सका पिताजी। किंतु आज रघुकुल की परंपरा के अनुसार आप माता कैकेयी को दिए दोनों वचनों से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं पिताजी। आप अपने इस भाई को भी एक कठिन भार से मुक्त कर दीजिए। अयोध्या का राज सिंहासन धारण कर आप हम सबको कृतार्थ कीजिए भैया। भरत भैया बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। सुमित्रा,
तुमने एक आदर्श पत्नी धर्म का पालन किया है। जिस पत्नी धर्म के पालन के लिए मैं अपने पति के साथ 14 वर्ष वन में निवास किया, तुमने राजभवन में रहते हुए अपने त्याग के बल पर उसी धर्म का पालन किया है। उर्मिला, गुरुदेव, अब तो अयोध्या में मात्र एक ही शुभ कार्य शेष रह गया है और वो है मेरे राम भैया का राज्याभिषेक। हमें बताइए गुरुदेव कि वो शुभ घड़ी कब आएगी जब राम भैया का राज तिलक धूमधाम से मनाया जाएगा। वो शुभ घड़ी कब आएगी जब अयोध्या में मंगल गीत गाए जाएंगे और लोग प्रसन्नता से झूम उठेंगे, नाच उठेंगे। राम के राज्याभिषेक के लिए सबसे शुभ और सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त तो कल प्रातः काल का ही है।